नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 23 फरवरी है, साल के दूसरे महीने का ये 23वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन के नाम से जाने जाने वाले भारतीय चित्रकार थे। एक कलाकार के तौर पर उन्हें सबसे पहले 1940 के दशक में ख्याति मिली। उनकी पहली प्रदर्शनी ज्यूरिख में हुई। इसके बाद उनकी कलाकृतियों की अनेक प्रदर्शनियां यूरोप और अमेरिका में हुई। आज ही के दिन 23 फरवरी साल 2010 में कतर ने MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी थी। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली और खूबसूरती का ताज हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम सजाने वाली केवल एक ही एक्ट्रेस रही हैं मधुबाला। मधुबाला ने करियर की शुरुआत पिता के कहने पर की। छोटी सी उम्र में ही मधुबाला का नाता बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ गया। आज ही के दिन 23 फरवरी साल 1969 को मधुबाला का निधन हुआ था। भाग्यश्री पटवर्धन एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया से फिल्मों में डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। वो हिंदी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। भाग्यश्री का जन्म आज ही के दिन 23 फरवरी साल 1969 को महाराष्ट्र के सांगली में एक राजघराने में हुआ था। विजय आनंद हिंदी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, निर्देशक और संपादक थे। विजय आनंद की फिल्म गाइड को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। आज ही के दिन 23 फरवरी साल 2004 को विजय आनंद का निधन हुआ था। विजय आनंद अपनी फिल्मों के गानों के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।